मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने विश्वविद्यालय में केंद्रीय स्टूडियो, डिजिटल मीडिया लैब सहित अन्य कई विभागों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश ने पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। केजी सुरेश ने कहा कि एशिया के पहले और देश के सबसे बड़े पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू किया गया है। इंडिया टुडे और द वीक जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं द्वारा विश्वविद्यालय को देश के प्रथम 10 शिक्षण संस्थानों में शामिल किया गया है। वहीं मंत्रिपरिषद ने विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए 7वां वेतनमान लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही 1 जनवरी 2016 से लागू किए गए 7वें वेतनमान के आधार पर सभी शिक्षकों को एरियर का भुगतान करने की स्वीकृति भी दी गई। संविदा पर कार्यरत शिक्षकों के नियमितीकरण पर भी सहमति दी गई। महापरिषद ने अधिवार्षिकी आयु को 60 से 62 वर्ष किए जाने पर भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में इंदौर सांसद शंकर लालवानी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश, सचिव जनसंपर्क विवेक पोरवाल सहित अन्य कई प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।